नमस्कार साथियों, क्या आपने नाना पाटेकर की वेलकम फिल्म देखी है? एक बार जरूर देखिए। समंदर में अपने क्रूज में बैठा हुआ अपने कुछ मेहमानों के साथ वो अपने बहन के रिश्ते की बात कर रहा है और बहुत ही उत्साह में उसका वकील बोट में बैठ करके आता है और दूर से ही चिल्लाता हुआ कहता है, उदय भाई, आपके लिए एक नहीं दो दो खुशखबरियां लाया हूं। और बिना वो ये जाने कि मीटिंग में कौन बैठे हैं, मीटिंग में क्या बात चल रही है, और वो आकर के दोनों खुशखबरियां बहुत ही उत्साह के साथ, इस आशा के साथ कि उदय भाई मेरी बहुत पीठ थपथपाएंगे, ये बता देता है कि धनसुख ज्वेलर के मर्डर केस में आप बरी हो चुके हो। और वो बिल्डर ने भी डर करके आपकी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है। उसकी बहन के रिश्ते के लिए जो लोग आए थे वो उठकर चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान उदय शेट्टी उस डॉन का हो जाता है। उसके बाद उस वकील का क्या होता है वो तो आप फिल्म देख करके जान ही जाएंगे, लेकिन कुछ बातें जो इस मूवी के सीन से हमें सीखना चाहिए, जो कि हमारे सफलता के लिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, वस्तु स्थिति को उतना ही हम सीरियसली लें जिससे हमारा फायदा हो, नुकसान ना हो। ये बात हमें प्रतिदिन के व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। स्क्रू को हम उतना ही टाइट करें, उतना ही कसें जिससे वो टूटे नहीं, या वो पेचकस खराब ना हो जाए, या वो स्क्रू खराब ना हो जाए। तनाव रहित होकर के हम हमारा रोज का काम अगर करेंगे तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी। और हमें अति उत्साह से हमेशा बचना चाहिए, इसके कई बार बहुत नुकसान हो जाते हैं। थैंक यू।